आई थिंक मेरे 28 साल करियर में बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब बहुत एक्साइटेड रहता है इंसान, तो ये बहुत एक्साइटमेंट की बात है कि हमारे हिंदुस्तान में पिछले 60-70 सालों में बहुत सारी म्यूज़िक कंपनी आई हैं और गई हैं, लेकिन ये म्यूज़िक कंपनी मुझे ऐसे लग रही है कि बहुत पोटेंशियल है, और जो ये गाने लेकर आए हैं, मैंने कुछ एक दो गाने देखे थे कल शान के, देखे थे गुणा गाने वाला के, तो फैंटास्टिक माइंड ब्लोइंग बहुत ही कमाल के तरीके से बनाया गया है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी खूब चले, और जब कंपनी चलेगी तो बहुत सारे काम और चलेंगे, विजिटर चलेंगे, सिंगर चलेंगे, आप लोग चलेंगे, तो मुझे लगता है कि कंपनी बहुत कमाल करने वाली है। सर, ये लोग इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेके आ रहे हैं रिमिक्सेस के जमाने में, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक वो इंडिपेंडेंट म्यूजिक तो हमेशा रहा है और रहेगा, चाहे वो विदेश में हो चाहे इंडिया में, हर जगह, और वो होगा ही चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन बॉलीवुड फिल्में कई बार और ट्रैक कर जाती हैं, कम हो जाती हैं, हिंदी फिल्में कम होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा इंडिपेंडेंट म्यूजिक 80s का, जब हिंदी फिल्मों में जब ज़्यादा चल रहा था, मिथुन का ज़माना था, क्या रे जानता नहीं क्या, उस ज़माने जो गाने अच्छे बनते नहीं थे, तो पॉप एक बहुत बड़ा ट्रेंड शुरू हुआ था और वो आज तक चलता आया है। ठीक है, कभी बॉलीवुड तो कभी प्राइवेट एल्बम्स चलते रहेंगे, अच्छी बात है। एक्चुअली मैं जब कल देख रहा था पूरे एल्बम्स देखे मैंने इनको गाते हुए, तो मैंने ऐसे गाने, पहली बात तो जो म्यूज़िक बनाया गया है तो मैं कंग्रेचुलेशन बधाई देना चाहूँगा उन लोगों को जिन्होंने म्यूज़िक बनाया, नंबर वन। नंबर टू, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कुणाल गांजावाला ने एक अलग स्टाइल में गाना गाया है। हमने भीगे होंठ तेरे देखा उनका, हमने बहुत सारे संजय भंसाली की फिल्मों में देखा उन्हें परफॉर्म करते हुए, लेकिन ये अपने आप में यूनिक है। और शान ने भी एक ऐसा दर्द भरा गाना गाया है, आई थिंक उस समय के बाद आप लोग देखेंगे, आप महसूस करेंगे कि शान से अच्छा कोई गा ही नहीं सकता था। और इन म्यूज़िक कंपनी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसे सिंगरों का सिलेक्शन किया और वो इस तरीके से गा रहे हैं, वाकई माइंड बहुत अच्छा, कमाल। थैंक यू गाइस, थैंक यू।